नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज उस सबसे बड़े फैसले की जिसके बाद आज पूरा देश जश्न मना रहा है। जी हां, निर्भया के दोषियों की सजाए मौत पर लग गई है अंतिम मुहर। 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप कांड के चारों दोषियों को सजाए मौत पर मुहर लगाते हुए उनका डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब सभी चार दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। आक्रोश से भरी निर्भया की मां, उनके पिता और यहां तक कि उसकी वकील की आंखें भी भर आईं। निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद उसके माता पिता ने भी खुशी जाहिर की है। मां इसे एक बड़ा दिन मानती है तो पिता को देरी पर थोड़ा गुस्सा है। तो जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो परिवार कर रहा था जिसने अपनी बेटी को खोया, वो आज फैसले का दिन आज आ ही गया और डेथ वारंट इन चार गुनहगारों का आज जारी हो गया। 22 जनवरी का वो दिन होगा जब सुबह 7 बजे इन गुनहगारों को इनके सबसे बड़े गुनाह की सजा मिलेगी और सुबह 7 बजे इन चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है क्योंकि ये इंसाफ कहीं ना कहीं जो एक खोया हुआ विश्वास था न्यायपालिका पर, उसे बढ़ाने का काम जरूर करेगा। तो इस सबसे बड़े फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट के फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी स्वागत किया है। देर से आया पर दुरुस्त आया और ये बहुत आवश्यकता थी एक कड़ा संदेश देने की ऐसे अपराधियों की और ऐसे गिरी हुई मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए जो कि महिलाओं को खिलौना समझते हैं अथवा महिलाओं को एक आनंद का विषय समझते हैं। मुझे लगता है कि इस वर्डिक्ट के बाद में इस प्रकार के अपराधी, चाहे वो कहीं प्रदेश में रह रहे हों अथवा देश में रह रहे हों, निश्चित रूप से एक ब्रेक लगेगा। फांसी देने का जो निर्णय लिया गया है और फांसी देने का जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन इस निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है। इंसाफ पीड़िता के परिवारजनों को और पीड़िता को बहुत जल्दी दिया जाना चाहिए था और मैं चाहूंगी कि हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो ऐसे कठोर रेप के या छेड़छाड़ के मामले होते हैं उनमें कठोर कानून का प्रावधान किया जाए। उधर निर्भया का इलाज करने वाले डॉक्टर विपुल की भी प्रतिक्रिया आई है। डॉक्टर विपुल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जिस क्रूरता से निर्भया को उन लोगों ने डील किया था, प्रताड़ित किया था, वो मैं आपको अपने आंखों देखी बयां भी नहीं कर सकता कि ऐसा क्रूर काम बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमें तो ये लगता था ये तो ऐसे काम जानवर रूपी इंसान ही कर सकते हैं। तो उसको उसका मैं कहीं भी होगी निर्भया आज ऊपर जहाँ भी होगी आज उसको सुकून होगा कि उसके दंडकारी को जिसने उसको इतना परेशान किया था, उसके साथ जो क्रूरता करी थी, उनको आज इसका दंड मिला है। निर्भया केस में कोर्ट के फैसले को देवभूमि की आवाम किस तरह से देखती है, इसी पर महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ने। निर्भया गैंगरेप में एक लंबे समय बाद आज जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस निर्णय के बाद वो किस तरीके से खुश हैं। मैम आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला तोमर है। मैम क्या जो आज फांसी की सजा सुनाई गई है उसको किस तरीके से आप एक महिला होने के नाते देख रही हैं? वैसे तो ये फांसी की सजा बहुत पहले होनी चाहिए। वैसे जो दो और भी थे शायद इनके साथ जो थे उन्होंने आत्महत्या की, जो भी किया हम उससे मतलब बहुत खुश हुए, वो बहुत पहले इनका भी इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारा थोड़ा सा ये है कि कानून थोड़ा ये है कि मतलब बहुत लेट करते हैं, पता नहीं मेरी समझ में ये नहीं आता है कि महिलाओं के साथ ऐसे खतरनाक केस हो रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वो मतलब इतना बिल्कुल ऐसे लगता है उनको जैसे वो देख ही नहीं है। हमारे सामने मतलब कितने ही केसेस सामने आए हैं लेकिन फिर हम इस बात से बहुत खुश हैं, कम से कम देर आए, दुरुस्त आए, बहुत खुशी हुई। आप पटियाला हाउस कोर्ट के इस निर्णय को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इस निर्णय को ये देख रही हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लिया कि उन हत्यारों को सज़ा मिल रही है बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत देर करी उन्होंने सज़ा देने में,
मगर उन्हें सजा मिल रही है। तो इससे मुझे लग रहा है कि अन्य जो कोई ऐसा कदम उठाए उनके मन में डर भय हो सकता है इस जो ये सजा होगी, सब लोगों के सामने जो ये सजा आएगी, तो इससे हमारा समाज काफ़ी हद तक सुधर सकता है, भयभीत हो सकता है, भय के कारण कुछ समझ जाए। मैम, आपको क्या लगता है कि जो ये फांसी सजा हुई है, आप लोगों को इंतज़ार था इस चीज़ का कि दरिंदों को जो है सजा मिलनी चाहिए, आज के इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? न्यायालय ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है, लेकिन बहुत लेट लगा दी निर्णय लेने में, और मैं न्यायालय से ये चाहूँगी कि वो ऐसा कोई प्राविधान बनाए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए और इतना टाइम ना लगे। निर्भया रेप केस के बाद जो है इस तरीके की जो सज़ा हुई है उसको लेकर महिलाओं में बेहद खुशी है किस तरीके से होना चाहिए, साथ ही उनकी ये भी दरख्वास्त है कि ऐसे जो केसेस होते हैं उनमें जल्द से जल्द जो है सज़ा का ऐलान होना चाहिए। रवि कैंतरा, एबीपी गंगा, देहरादून। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी की। कुछ जगहों पर तो अभी भी बर्फबारी की खबर है इसके, और इस साल केदारनाथ धाम में भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, मसूरी धनोल्टी मार्ग पर एंट्री को बंद कर दिया गया है। एंट्री बंद कर दी गई है मसूरी धनोल्टी मार्ग की। धनोल्टी में बर्फबारी की संभावना है, सैलानियों की भीड़ बढ़ने से जाम लग गया था, सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया है कि देर रात को यहाँ पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन ने मसूरी धनौल्टी मार्ग को बंद कर दिया गया है और किसी भी सैलानी को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। खासकर यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करी जाए, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर करीब 400 से 500 पर्यटक फंस गए थे और देर रात को यहाँ पर मसूरी पुलिस ITBP और प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा इनको निकाला गया था, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये एहतियातन के तौर पर सभी लोगों को यहाँ पर जाने से रोक दिया है, जिससे बिल्कुल सैलानियों की सहूलियत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए।
उत्तरकाशी में बर्फबारी जारी है। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में हर तरफ बर्फी बर्फ जमी है, तो गुलाबी कांठा बुग्याल में भी बिछी बर्फ की चादर। खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। माँ गंगा की शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा बर्फ से ढका है। बर्फबारी ऐसी हुई कि मुखी मठ के आसपास का पूरा इलाका सफेद हो गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि मुखबा में अभी तक व्यवस्थाएं ठीक है, जो तीर्थ पुरोहितों के लिए राहत की बात है। मैं मुखीमठ मुखबा में हूं। अभी यहां पर बर्फ गिर रही है, आधा फीट बर्फ गिर चुकी है और बर्फ गिरने का सिलसिला भी जारी है। अभी यहां पे व्यवस्था भी ठीक है, लाइट चल रही है, बिजली पानी की व्यवस्था भी ठीक है, नेटवर्क भी चल रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये बर्फ काफ़ी तेज़ मात्रा में गिर रही है, तो मुझे लगता है कि ये बर्फ जो है 3-4 फीट तो गिरेगी, क्योंकि 2-3 दिन तो मौसम खराब बता रखा है मौसम विभाग ने। तो बाकी अभी सामान्य स्थिति है और यहाँ पर बर्फ गिरने का सिलसिला बहुत जारी है। उधर खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। आगामी 2-3 दिनों में भी मौसम सर्द बना रहेगा और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जैसे की गई, उसको देखते हुए हमने संबंधित विभागों को, जैसे रोड इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत और पानी वालों को ये निर्देश दिया गया कि अपनी सेवाएं सुचारू रखें और जब कभी इस टाइप से बाधित होता है तो उसको तुरंत सुचारू कर लिया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। उधर गुलाबी कांठा बुग्याल की इस तस्वीर को देखिए। बुग्याल की हरियाली तो जैसे कहीं गायब सी हो गई है। अब पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ये इलाका समुद्र तल से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर साहसिक खेलों के शौकीन ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। जाहिर है ये बर्फबारी उनके लिए अच्छी खबर है। उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वही बात अगर हल्द्वानी की करें तो बारिश के बाद तापमान यहां पर भी काफी गिर गया है, जिस वजह से लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही बचाव और राहत सामग्री 24 घंटे उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। हर स्थान के लिए डेडिकेटेड जेसीबी मशीन्स हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स हैं, वो हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो बहुत सक्रियता से वहाँ लगे रहते हैं और मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम लोग रोड को क्लियर करा। वहीं टिहरी में भी खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना हो गया है। मलबा गिरने से रोड बंद होने वाले संभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर में सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाने के भी निर्देश जारी किए गए। विभागीय अधिकारी लोग का ये निर्देश दिए गए, अपने अपने जगह पर जितना भी स्लाइडिंग जोन और बर्फ इस टाइप का होगा, इसका हटाने के लिए मशीन वगैरह लगाने के लिए हमने निर्देश दिए गए। इसके अलावा हमारा तहसील प्रशासन और बाकी नगर पालिका, जिला पंचायत, इन लोग महत्वपूर्ण स्थान पर अलाव जलाने के लिए व्यवस्था कंटिन्यूसली चल रहा है। वहीं बात अगर अल्मोड़ा की करें तो यहां भी बारिश हुई है, जिस वजह से तापमान काफी गिर गया है। हालांकि बारिश होने से किसान खुश हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश किसानों की फसलों के लिए अच्छी है, इससे फसलों को काफी फायदा होगा। किसान लोग जो हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो मतलब खरीफ की अभी फसल होती है तो उससे किसान लोगों को काफी फायदा होगा इस बारिश से, और जिन गाँव पे पानी की किल्लत है उन लोगों को काफी फायदेमंद बारिश है। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अगले 10 सालों तक आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव पर सदन में मुहर लग गई। वहीं सत्र के दौरान कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष फेल में आ गया और हंगामा किया। तो एक दिवसीय सत्र था मगर इसमें भी हंगामा देखने को मिला। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में कहा कि सिंचाई विभाग में 500 पद खाली है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 53 की 11 सूचनाएं हुई थी, जिनको ध्यानाकर्षण के लिए सभी को स्वीकार किया, और नियम 58 की 5
जो सूचनाएं हुई थी पांचों को स्वीकार किया। 310 की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी जो हमने नियम 58 सुना। 126वां संशोधन विधेयक 2019 जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था उसका हमने पूरा सर्वसम्मति से इसका अनुसमर्थन हमने किया, यानी कि मैं सदन का बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जो संशोधन पास हुआ इसमें अनुसूचित जाति जनजाति का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाने का संविधान में संशोधन था, उसका अनुमोदन या उसको सर्वसम्मति से हमारे विधानसभा में पास करके और वो केंद्र को भेजेंगे। वहीं श्रीनगर से एनसीसी एकेडमी को शिफ्ट किए जाने का मसला भी सदन के अंदर उठा जिस पर सरकार ने जवाब दिया। तो वहीं भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हादसों का मामला भी उठाया। संस्कृत अकादमी से जब बातचीत की गई उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस प्रकार का प्राविधान नहीं है, तो इस प्रकार से वो जो विषय था उस विषय के बाद जो हमारी अकादमी थी उसको पौड़ी में इस रूप में स्थानांतरित किया गया। और जो मित्रों को मैंने पहले भी कहा जो मंत्री प्रसाद नैथानी थे, चूँकि पूर्ववर्ती सरकार में वो खुद मंत्री थे और आज विषय को रखने वाले भी मंत्री थे, मैंने कहा है कि उस समय 3 वर्षों तक आप इंतज़ार करते रहे। यदि आपने मुख्यमंत्री से उसका स्टोन रखवाया, मुख्यमंत्री से उसका शिलान्यास कराया, तब बिना भूमि के कराया। कर्मचारी और श्रमिक हमारे हैं, दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है, दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक के द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। मैंने सरकार से मांगा कि वहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और कितनों में उनको कंपनसेशन दिया गया कि या उनको कोई प्रॉपर इलाज कराया गया, लेकिन मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा है कि इसकी जाँच कराएंगे। वहीं श्रीनगर में एनसीसी एकेडमी को शिफ्ट करने के विरोध में अब यूकेडी भी उतर आई है। यूकेडी के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार इलाके की जनता की अनदेखी कर रही है। दिवाकर भट्ट का कहना है कि जब एनसीसी एकेडमी के लिए जगह चयनित कर ली गई थी तो फिर इसे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री अगर बोल भी देता है तो गवर्नमेंट का ही आदेश होता है, तो जब मुख्यमंत्री ने वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने वहाँ पर शिलान्यास कर दिया तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस हैसियत से उसको वहाँ से हटाया, ये बड़ा हास्यपद विषय बन गया है। ये तो ये हो गया कि आज का मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहा है आने वाला मुख्यमंत्री उस सबको उलट देगा, क्या यही होना है इस राज्य के अंदर। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कांग्रेस की गुटबाजी पर बयान दिया। प्रदीप टम्टा का कहना है कि बड़े नेताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों हरीश रावत की नाराजगी की बातें सामने आई थी जिसे लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए थे। ध्यान रखना चाहिए कि भाई हरीश रावत राष्ट्रीय लीडर हैं और पिछले 5 सालों में जब पिछली कांग्रेस के सरकार की उपलब्धियों में उनका बड़ा योगदान है। इस नाकामी सरकार के खिलाफ जिसके खिलाफ हम आप सड़कों में कांग्रेस पार्टी उतर रही है, 28 को भी उतरी हुई है, उसके खिलाफ हम 2022 में जब कांग्रेस की उपलब्धियों में जाएंगे तो हरीश रावत उसका चेहरा ही चेहरा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में हाईकोर्ट 2 मार्च को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि अब तक क्या चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि पूरे मामले में अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। इसके बाद कोर्ट ने 3 पक्षों की सहमति से सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख तय कर दी है। तो आज तारीख लगी 2 मार्च को, कोई बहस नहीं हुई, 2 मार्च को सुनवाई होगी। न्यायालय ने कहा कि 2 मार्च को हियरिंग होगी। चार्जशीट से भी प्रोटेक्शन डिमांड कर रहे थे, उसको लेके क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अनुमति लेंगे कोर्ट से, अगर चार्जशीट फाइल करेंगे तो कोर्ट से अनुमति लेंगे। दून मेडिकल अस्पताल में ड्यूटी पर देर से आने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ड्यूटी पर देर से पहुंचने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि डॉक्टर कभी भी समय से अस्पताल नहीं पहुंचते हैं जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। कुछ डॉक्टर जो है ऐसे हमने चिन्हित कर रखे हैं कि वो देर से आते हैं, उन्हें हमने एक सूचित किया है और एक उनको चेतावनी दी है कि वो समय से आएं और जिससे कि मरीजों के जो है कोई भी इलाज में कोई परेशानी ना हो, प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है।
सरकारी और निजी अस्पतालों से निकल रहे खतरनाक कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम अब बायो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 97 बड़े अस्पतालों का कचरा सड़क के पर ही डंप किया जा रहा है। इनमें 45 अस्पताल तो शहरी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा छोटे बड़े ऐसे दर्जनों नर्सिंग होम और क्लिनिक हैं जो अपने कचरे को नगर निगम के कूड़ेदान में ही डंप कर रहे हैं। इसी को लेकर निगम की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी की गई है। उधर नैनीताल में एक युवक और युवती के अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बाइक को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि भवाली रोड पर एक कार में एक लड़के और लड़की को जबरन बैठा लिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि किसान खेत में काम करने जा रहा था, इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक इलाज करवा के उसको वहाँ पर शिशुलता तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। और मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पर कोई जानवर के पक्षी के निशान तो नहीं मिल रहे हैं, बट घाव की गहराई को देख के लगता है कि मोस्टली ये टाइगर का अटैक। तो आपको बता दें कि किसान पर बाघ के हमले की खबर है। फिलहाल किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आम पोखरा रेंज में बाघ का हमला एक किसान पर हुआ। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लेकिन एक के बाद एक बढ़ते बाघ के हमलों ने जरूर लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो गए हैं।